आपको बच्चों से शिकायत होगी, ना बीवियों से शिकायत होगी, ना औलाद से शिकायत होगी, ना भाई भाई से शिकायत होगी। अफसोस है, अफसोस पुराने का अफसोस है। किस पर अफसोस? अफसोस है किस पर? अफसोस तुझे ना हम को पहचाना और ना रब को पहचाना, ना ही तुझे नमाज पढ़ी, ना ही तुझे कुरान पे। अफसोस है तुझ पर, अफसोस, अफसोस है तुझ पर, अफसोस। लपेटे जाने वाले हो कफन में, दफनाए जाने वाले हो कब्र में, किस जुआ और किस गुमान के साथ आप जीते हो कि तुम्हारे को जन्नत मिल जाएगी? रस्मी आमान से जन्नत मिलने वाली नहीं है जब तक कि आपको इस्लाम का, इस्लाम की बुनियाद मालूम ना हो जाए, इस्लाम की रूह मालूम ना हो जाए। कभी कभार मस्जिद को आ गए, पैसे मिल गए तो 50,000 की गाय काटे, गरीबों को कुछ क्या मदद कर दिया, समझ लिया कि मैं जन्नत में जाऊंगा। नहीं 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 भाई, आपकी अपनी सोच है। अल्लाह के करीब ने कुरान में कहा, क्या तुम जन्नत के तरफदार बन गए हो जबकि तुम पर अभी वो वक्त नहीं गुजरा जो तुमसे पहले लोगों पे गुजरा है। अपना ताल्लुक कुरान से गहरा कर लो मुसलमानों, वरना याद रख लो इतनी तबाही आ जाएगी, ना दुनिया में सुकून से रह पाओगे, ना कब्र में, ना मस्जिद में, जन्नत की तो भूमि नहीं सुखाई दी जाएगी। कुरान से अपना गहरा रिश्ता कायम करो। हजरत इस्माइल ने कहा, बस भागा दीजिए, तुम्हारा बेटा तो है, बोले दवा लगे नहीं दे रहा, 7 मिनट 5 मिनट में रहते जरा बच्चा फिर भी ठीक है, जैसे जरा भूल हो गया सब उम्र हो गया, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में आया तो सरदर्द बन गई, और क्यों जी अचानक 10th में आ गया, उन्हें अचानक 10वीं जमात में आ गया लड़का आपका, अचानक वो सख्त हो गया। मैं वो तुम्हारे सामने होता होता परवान चढ़ा है, तुमने अपना बेटा समझकर नजरअंदाज कर दिया। अरे अगर इस पैदा होने वाले घर के लड़के को ये समझते कि खुदा का बंदा है, मुझे इसको कुरान सिखाना है, इसे खुदा का बना के रखना है, ताकि ये कल के दिन मेरे लिए भी आंखों की ठंडक बने और मैं रब के भी पास जन्नत में जगह पा सके, मेरी औलाद ऐसी बनाए। सोचा आपने? बनाइए अपनी औलाद को बेहतरीन, बनाइए दोस्त बन जाइए अपने बेटों के। तुम अपने बच्चों के दोस्त नहीं बनते, इसलिए वो बाहर टपोरी बच्चों में फिर आते हैं। दोस्त बनिए आप अपने बच्चों के, है आपके पास, कमाने में बिजी हैं, कमाओ। कुत्ते बड़े जैसे लड़के लेते बाद में से बाया बाया कोटा के चेहरे में पिटते, धुआं बन कर देते एक दूसरे। कुरान वाला बनाओ, रिश्ते की मिठास चाहते हो, रिश्तों में मिठास चाहते हो, रिश्तों में मिठास चाहते हो तो मेरा तजुर्बा मैं बोल रहा हूं, कुरान से बेहतर कोई नुस्खा नहीं हो सकता। भाई बात नहीं कर रहे थे, बीवी बात नहीं कर रही थी, बच्चे बात नहीं सुन रहे थे, साहेबा बात करते रहे, आते हमारे पास भी आकर्मा बाबा ने सुन रहा थी हमारी बात, बोला जी माँ कुरान पढ़े, बाबा जी बीवी बात नहीं सुनी, बीवी को कुरान पढ़ाया। मुसलमानों कुरान बहुत मीठी किताब है, जो इस किताब को बार 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 पढ़ेगा उसका घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। जुबा होने की कोई बात नहीं,
चाकू आगे बढ़िए, मैं मुख्तसर करके बात बता दूं। चाकू आगे बढ़िए, जिब्रील को हुक्म हुआ जन्नत से दुबा ले जाओ गाय ने, ये जहन रख लिए। हमारे लोग हर धर्म में तो गाय काटते, थोड़े बकरे वाला ने मार पर लगा के गाय काटना, मैं सबको बाण मारता हूं। अरे भाई मौका अच्छा, बकरे काटो, गोलू वाला बम मारते फिर रहे, परेशान कर रहे हैं। और डॉक्टर ने बोल दिया गाय को कम खाओ, शुगर भी डाले खाना। सुन लो अच्छी तरीके से, अल्लाह ने अगर अच्छा माल दिया है तो दिल खोल के करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। अल्लाह का माल अच्छा दिया तो क्यों कर रहे हो? बेटे के वली में 25 बकरे काट के खाना खिला था, कुर्बानी की बात बोले तो गाय लाके काट, गाय की बिरयानी शादिया में खिला रहे, देख रहे आए चुपता खिलाए तो कुर्बानी की बात बोले तो गाय चल जाते हो। याद रखिए हजरत इस्माइल को हटा दिया गया तो जन्नत से गाय लाके ने रखी गई वहां पर, क्या लाके रखा गया? बकरा, डुब्बा लाके रखा गया, कब्श, बकरा लाके रखा गया। तो सबसे पहले कुरान में जिस कुर्बानी का जिक्र है वो गाय का नहीं है, बात याद रखिए। कुरान में जिस कुर्बानी का जिक्र है और असल कुर्बानी जो इस्माइल को हटा कर रखा गया वो क्या करा गया? हमारे दांतों जरा सख्त होना है, खाते खाते नहीं, जरा नरम लगता है, सख्त होना हमारे दांतों का सख्त होना दिन की सख्त होने की अलामत है। हजरत अली ने कहा जो मुसलसल 40 दिन गोश्त खाते हैं उनके दिन काले हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। छोड़ के देखो जी खाली गोश्त, बड़ा गोश्त छोड़ के देखो, बड़ी कौम बन जाते उसके बाद, रजीव कौम बन के बैठ गए आज हम। ए अली को तो नहीं बोल रहा हमारे री में वहां बैठे बोल रहे सीधा। बड़े गोश्त एहतियात करें, बकरा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गाय का गोश्त नहीं खाए। हाँ आपके सामने कोई सहाबा खा रहे हैं तो आप खामोश रहे, यानी आपका खामोश रहना भी सुन्नत बन जाए। नहीं गाय गोश्त खाना सुन्नत है। हमारे बुजुर्गाने दीन जिस जमाने में हिंदुस्तान में 1000 साल पहले अगर यही बोलते बैठते गाय का गोश्त खाना सुन्नत है तो जितने मुसलमान नजर नहीं आते थे, खास गैर कौम के लिए अपना बनाने के लिए, ब्राह्मणों को अपना बनाने के लिए बुजुर्गाने दीन ने गाय के गोश्त को छोड़ दिया। ब्राह्मणों को अपना बनाने के लिए बुजुर्गाने दीन ने ये कलर को जो मैं पहना इसको अपनाया, क्यों? ताकि उन लोगों को करीब करें एक बहाने से, फिर उनके दिलों में इस्लाम को उतार। हमारे लोग सियासी लोगों की बात में आके उनको दुश्मन समझ बैठे हैं, वो दुश्मन नहीं है, तुम्हारे दावती कुर्बान के मुंतजिर हैं वो। अरे हम शीर खुरमा बना के दावत हो मैं आज पीता हूं, वो इंतजार में है। कल एक लड़की हमारी खानकाह में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वीडियो है सूर्य इखलास कन्नड़ में, परसों दो दिन पहले, आज तीसरा दिन समझे, 3 दिन पहले वो लड़की आम जुबान में शैतान लगा हो रही है और हमारी जुबान में दिमाग की बीमार हो गई थी, ऐसा कूद रही है कि उसे 10 जने नहीं संभाल पा रहे। खानकाह में आ गई, ये आदर्श नगर की हमारी खानकाह में आ गई, जहां पे हम बैठते हैं आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की बारगाह में थोड़ी देर दुआ किया, उसके बाद वो खामोश हो गई, ऐसे हो गई। आप देखते तो सबके लिए एक अजूबा था, थोड़ी देर के बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह खामोश हो गई। खाना बनावा था हमारे पास फातिहा का, फातिहा का खाना पेट भर के खाए, उसका मियां रोने लग गया, बोले मेरी बीवी इतनी अच्छी हुई इतनी से थोड़ी देर में, आप जानते हैं क्या करामत थी वो? अरे मैं भी वही बंदा हूँ जो आप हैं, आज जो है मैं हूँ, सिर्फ यहाँ पे जो फर्क पैदा हुआ वो कुरान का था। बच्ची थोड़ी देर के बाद बैठ गई तो मैं उसके हाथ में कंगड़ा कुरान थमाया और कहा बेटा सूरह इखलास पढ़ो, खुलुल्लाह में पढ़ो, वो कंगड़ा में पढ़ने लग गया। इतना असर हो गया कि पागल लड़की जिसको कपड़े का होश नहीं था थोड़ी देर में वो अच्छी हो गई और सूरह इखलास पढ़ने लग गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लड़की आशा में सूरह वाकिया सुनाने वाली है, आज वो सूरह वाकिया सुनाने वाली है। कब आओगे आप कुरान की तरफ? मरते वक्त
वो पढ़ो पानी डालना क्या, सूर्य ऐसे पढ़ के पानी डालना, जब कुरान पढ़े कुरान पढ़ते वक्त क्या पानी डाले तुम भीमा जाओ जी, ये बेकार बातें करने से कुरान का फैज मिलने वाला नहीं है। कुरान का फैज तो ये है कि कुरान की एक एक आयत पे अपने रब से मुलाकात होती जाए, कुरान की आयतों पे रब से बात होती जाए, कुरान की एक एक आयत दिल का गंदा मैल कुचैल साफ कर दे, तो मतलब ये वाली तुमने कुरान को पढ़ा। गैरों पे कुरान असर कर गया, हमारे लोग आगे ये खाना सुनत है वो खाना सुनत है बोलते बैठे हुए। सबसे बड़ा काम ये आसमान के नीचे ये जमीन के ऊपर सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, घंटा लाने वालों को नमाज का तरीका बताना है, पूजा पाठ करने वालों को इबादत का तरीका बताना है। उसके लिए आपको मुंह का मजाक छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को अपनी दौलत को इस्लाम के फैलाने के लिए लगाना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपने आप को कहना कि हाँ हाँ हमने कुर्बानी की है, कुर्बानी की है। सिर्फ जानवर काटने का नाम कुर्बानी नहीं होता, यहां तक था कि अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम इस्लाम नहीं होता, बेहतरीन आला मकान बनाने का नाम इस्लाम नहीं होता। कसम खुदा की सहाबा अगर मुंह के मजे के लिए जीते, दौलत कमाने के लिए जीते, तो आज हम मस्जिद अली में बैठ के मुसलमान के रूप में नमाज पढ़ते भी ना होते। बनाए मुसलमान किसी को आज तक, छोड़ना पड़ता उसके लिए, लुटाना पड़ता उसके लिए, दिए कभी किसी गैर मुस्लिम को कुरान कभी बात करे, ये कुर्बानी दो जी, इसी का नाम कुर्बानी है। दो दिन गाय काट के सुबह सुखा की कबाब खाते बैठे तो नमाजा बन जाते, दीनदार नहीं बन सकते। उतारो अपने अंदर कुरान को, उतारो अपने अंदर कुरान के पैगाम को, तो समझ लेना कि आपने कुर्बानी दी। हदीसे पाक में आया है जिस घर में जानवर के खून के खतरे गिरते हैं अल्लाह ताला उस घर को हर बला से पाक कर देता है, एक साल के लिए हर मुसीबत से पाक कर देता है, यह हदीस में। मगर इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहां पे खून के खतरे गिर रहे हैं और बड़ा पार हो जाए, नहीं, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पाउंड पे लड़ रहे हैं, ऊपरी बातें जो होती है ना उस पर आस्ती रंग चढ़ाए हैं। इस्लाम की असल समझने के लिए तैयारी नहीं, इस्लाम की रूह इस्लाम की बेस क्या है उसको समझने की आप कोशिश करिए। क्या है कुर्बानी का जानवर साहेब कुर्बानी को बिठा के खुद सिरात पे से जन्नत में ले गया है, हाँ ये हदीस है, हमारा ईमान है, यकीनन ऐसा होता है और ऐसा होगा ही, कुर्बानी की बरकतों से अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे। अगर हम कुर्बानी के पैगाम को समझें तो हम दूसरों की मगफिरत का जरिया बन जाएंगे।